अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। कराची में एक जिमनी इलेक्शन हुआ। कौमी असम्बली का यह हलका है NA 249। यहां पर 2018 के जनरल इलेक्शन में PTI के फैसल वाउडा को कामयाब करार दिया गया था। उनके मुकाबले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से मियां शहबाज शरीफ उम्मीदवार थे। 2018 के इलेक्शन पर तमाम सियासी जमातों के एतराजात रोजे अव्वल से मौजूद हैं कि नतायज वो नहीं थे जो जाहिर किए गए थे। उसके लिए मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ तरह की टेक्निक्स इस्तेमाल की गई और बिलाखिर ये सब टेक्निक्स एक्सपोज होती चली गई। मौजूदा सूरत हाल में जिमनी इलेक्शन बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। आप इसे पहला इलेक्शन समझ लें जो PDM के शिकस्त रेख के बाद हुआ है और इसमें PDM की जमातें भी आमने सामने आई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार का मुकाबला किया और यकीनी तौर पर यह बात अब दिलचस्पी से बिल्कुल खाली हो चुकी है कि PTI के उम्मीदवार वहां किसी गिनती में नहीं आए। इसी नशिस्त से 2018 में फैसल वाउडा को कामयाब करार दिया गया था। दिखाया गया था कि वो 50,000 या 60,000 से ज्यादा वोट लेकर कामयाब हुए हैं। मौजूदा इलेक्शन जब से शुरू हुआ PTI के उम्मीदवार ना कोई जलसा कर सके, ना कोई अपनी यूनिटी या इत्तेहाद का कोई मंजर पेश कर सके और यह नजर आया कि PTI एक ऐसा बुलबुला था जिसे मसनूई सांस ने फुला रखा था और अब वो खत्म हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया पर मेरे एतराजात भी आपके सामने हैं, तारीख भी आपके सामने है और अब तो पाकिस्तान के तमाम बाशऊर शहरी इस बात को जानते हैं कि पाकिस्तान में मीडिया नाम की कोई चीज नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का एक सेल है जिसे पाकिस्तान में आजाद मीडिया कहा जाता है, जिस तरह पाकिस्तान की जुडिशरी हाउस ऑफ शरीफ का एक जैलिक इदारा है, इसी तरह पाकिस्तान का मीडिया भी हाउस ऑफ शरीफ का एक इदारा है, एक जैली इदारा है। पाकिस्तान का मीडिया सिर्फ इस जद्दोजहद में मसरूफ दिखाई देता है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को काबिले जिक्र, अहम और स्टेक होल्डर बनाकर पेश करें ताकि उनकी दी गई इत्तलात की बुनियाद पर हाउस ऑफ शरीफ ज्यादा बेहतर बार्गेन और ज्यादा बेहतर डील ले सके। जो ही इस इलेक्शन की कार्रवाई शुरू हुई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सिंध हुकूमत पर काबिज है और इस वक्त सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, सिंध हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन को इस्तदा की गई कि मुल्क में कोविड या कोरोना का बदतरीन बीमारी फैलने का इम्कान है और अगर इन हालात में इलेक्शन करवाया जाएगा तो बीमारी के फैलने का अंदेशा है। इसी तरह यह भी बताया गया कि इलेक्शन रमजानुल मुबारक के महीने में है जो शदीद गर्मी के अंदर आ रहा है, इसलिए अवाम पुरजोश अंदाज में इलेक्शन के प्रोसेस में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। लेकिन जैसा कि ये बातें भी अब बताने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान के तमाम वफाकी इदारे पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत हो या ना हो, वो पीपल्स पार्टी की अपोजिशन होते हैं। इलेक्शन कमीशन वाज प्लीज्ड, इलेक्शन कमीशन को बहुत खुशी हुई कि उसने सिंध हुकूमत की ये इस्तदा मुस्तरद कर दी और साथ ही साथ मीडियाई नौटंकियों ने यह ढोल बजाना शुरू कर दिया कि सिंध हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हलका में अपनी कमजोर पोजीशन को देखते हुए इलेक्शन से राह फरार इख्तियार कर रही है। इस अमर ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, अवामी नेशनल पार्टी और JUIF और दीगर कई जमातों पर मुश्तमिल उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल को एक बड़े स्टारवर्ट और एक बड़े जीतने वाले घोड़े की तरह पेश किया। हकीकत यह है कि बिलाशुबा कराची का यह हलका 30% उर्दू स्पीकिंग मुहाजरों पर मुश्तमिल है, 30% आबादी वहां पर पंजाबी स्पीकिंग है और बाकी मिक्स आबादी है और माजी में मुस्लिम लीग नवाज को यहां से हमायत मिलती रही है। ऐसी भी अचंभे की बात नहीं है, 1988 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहां से कौमी असम्बली की यह नशिस्त जीतने में कामयाब हुई थी। बहरहाल जो ही इलेक्शन का डोल डाला गया, मीडिया पर बैठे हुए तमाम एंकर्स ने ऐसा कुछ माहौल बनाया कि हल्का में इलेक्शन मुस्लिम लीग नवाज और दीगर जमातों के दरमियान हो रहा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहां पर अपना उम्मीदवार खड़ा इसलिए किया है ताकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अबतर और बदतरीन पोजीशन को एक्सपोज किया जा सके।
अमूमी तौर पर टीवी चैनल्स पर बैठे हुए मीडियाई नौटंकी जो अपने आप को दानिश्वर और एंकर पर्सन कहलाते हैं, वो कुछ इस तरह पोस्ट करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार वहां पर इस कदर गैर अहम है कि उसके बारे में बात करना गैर जरूरी है। तो बहरहाल जब इलेक्शन शुरू हुआ तो इलेक्शन वाले दिन पोलिंग के दौरान ही पीटीआई और दीगर जमातें अपने अपने पोलिंग बूथ छोड़कर गायब हो चुकी थी। शाम तक इलेक्शन मुकम्मल हुआ तो तमाम टीवी चैनल्स मुस्लिम लीग नवाज को पहले नंबर पर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो लॉर्ड नहीं है, जो सरमायादार नहीं है, जो बड़ी बिग गन नहीं है, जो जमीन पर चलने वाला एक आम सियासी कारकुन है, कादर मंदूखेल और तालीम याफ्ता शख्स हैं, उनके बारे में बताया जाना शुरू हुआ कि वो दूसरे नंबर पर रनर अप रहेंगे। बहरहाल जब इलेक्शन का रिजल्ट मुकम्मल हुआ तो अजीब हथियार खेले गए। तसव्वुर करें कि इलेक्शन के नतीजे एक तरतीब से आते जा रहे हैं, लेकिन अचानक 67 पोलिंग स्टेशन का ऐलान करने के बाद पाकिस्तान का तमाम मेन स्ट्रीम टेली मीडिया इलेक्शन के रिजल्ट की अनाउंसमेंट रोक देता है। 2018 के इलेक्शन में या 2013 के इलेक्शन में आरटीएस बैठ जाने वाला माहौल मसनूई तौर पर क्रिएट किया जाता है, लेकिन आज वक्त खासा तब्दील हो चुका है। आज लोग टेली मीडिया या प्रिंट मीडिया की बजाय सोशल मीडिया को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। आप तसव्वुर करें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अपोजिशन की पार्टियों के जो लोग ट्विटर इस्तेमाल कर रहे थे या सोशल मीडिया पर कोई भी ऐप इस्तेमाल कर रहे थे, वो सब बता रहे थे कि रिजल्ट्स मुसलसल आ रहे हैं, लेकिन टीवी चैनल्स ने, टेली मीडिया ने कम से कम 3 घंटे का वक्फा करने के बाद अचानक से बताना शुरू किया कि किसी नादीदा गैबी हाथ की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये इलेक्शन जीतने की पोजीशन में आ गई है। अब हम तज्जिया करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी, मीडिया ऐसा क्यों दिखाना चाहता है कि मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार वहां पर बहुत ज्यादा मकबूल शख्स थे और वहां पर उनकी पोजीशन बहुत ज्यादा मुस्तहकम थी और खसूसी तौर पर अवामी नेशनल पार्टी और JUIF की हमायत की वजह से उन्हें कोई 50,000 वोटों की लीड से पीपल्स पार्टी को शिकस्त देना चाहिए थी। कुछ चीजें जानना बहुत ज्यादा अहम होता है इलेक्शन के प्रोसेस में। अगर कोई बड़ा लीडर इलेक्शन लड़ रहा हो, जैसे माजी में 2018 में मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ इस हलका से इलेक्शन के उम्मीदवार बने, तो यकीनी तौर पर पार्टी लीडरशिप को एक एज हासिल होता है। कुछ लोग जो उस पार्टी को आम उम्मीदवार को वोट देने के लिए तैयार नहीं होते, बड़े लीडर की सूरत में वो उसे वोट देते हैं। इसी तरह मुमकिन है कि माजी में कोई उम्मीदवार मुस्लिम लीग नवाज का लोकल हो और उसे कोई मुकामी सतह पर किसी ग्रुप की हमायत हासिल हो, मगर सच यह है कि इस इलेक्शन में मिफ्ता इस्माइल एक पैराशूटर थे। मिफ्ता इस्माइल हाउस ऑफ शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी के वजीर खजाना थे और एक सरमायादार इंसान है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जब इलेक्शन हार गए तो कराची शहर के साथ मुस्लिम लीग नवाज का बचा खुचा रब्ता मुनकता हो गया। 2018 से कल के रोज तक, इस इलेक्शन तक, मुस्लिम लीग नवाज का कोई लीडर कभी कराची शहर में ना पाया गया ना देखा गया, और ना ही कोई ऐसा अवामी रब्ता मुहिम चलाई गई जिसके जरिए यह मनवाया जा सके कि दुख सुख के वक्त में बतौर अपोजिशन पार्टी के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का कोई स्टेक इस हलका में या कराची शहर में मौजूद है। इसी तरह यह बात भी याद रखना होगी कि 2013 से 18 तक जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत थी, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने बावजूद वफाकी हुकूमत पर काबिज होने के कराची शहर के लिए कई मेगा प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए, लेकिन उनमें से किसी एक के लिए भी फंडिंग जारी नहीं की। मिसाल के तौर पर KCR कराची सर्कुलर रेलवे, जो अरसा दराज से अहलिया ने कराची का एक बड़ा मुतालबा है और जिसे 97 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बंद करवा दिया था, तो उसकी बहाली के लिए एक प्रोजेक्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौरान मुकम्मल छोड़ा गया था, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बतौर वजीर आजम मुनासिब समझा कि बैरूनी माली इमदाद और कर्ज की बुनियाद पर लाहौर ऑरेंज लाइन, जो उससे महंगा और बड़ा प्रोजेक्ट था, उसको शुरू किया गया। अब यह बात समझने की है कि मुस्लिम लीग नवाज का कोई ऐसा एहसान या कोई ऐसा रिलेशनशिप, कोई ऐसा बंधन कराची की आवाम के साथ मौजूद नहीं है जिसकी वजह से कराची की आवाम उनकी तरफ इनकलाइन हो, तवज्जो दें और उनके साथ चलने में सहूलत महसूस करें। दूसरी पार्टी PTI है। इमरान खान जब से इक्तदार में आए हैं वो मुसलसल सिंध हुकूमत को मुख्तलिफ बातों पर टॉन्ट करते हैं, उनको पनिश करते हैं, उनको सजा देते हैं, और इन साल भी
284 अरब रुपए सिंध हुकूमत के NFC अवार्ड में मिलने वाला हिस्सा उन्होंने रोका हुआ है। माजी में कराची को बीमारी से बचाने के लिए गुज़श्ता साल जब लॉकडाउन लगाया गया तो उस वक्त भी PTI की हुकूमत ने कराची के शहरियों की सेहत को खतरे में डाला और ये वावेला किया कि अगर कराची बंद हो जाएगा तो पाकिस्तान पूरा भूखा मर जाएगा। तो इस बात ने भी कराची के लोगों के दिलों में ये एहसास ताकतवर किया कि अपर पाकिस्तान को कराची के शहरी नहीं चाहिए, कराची के वसाइल दरकार है। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने 1165 अरब रुपए का एक पैकेज भी कराची को दिया जिसमें से ताहल 5000 रुपए भी रिलीज नहीं किए गए हैं। इन हालात में कैसे तवक्को की जा सकती है कि कराची के अवाम PTI के लोगों की मदद करेंगे या उनके साथ चलेंगे। इसके बरक्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पहली बात यह कि यह अवाम में से है, अवामी नुमाइंदे इनकी अवाम की मर्जी के नुमाइंदों को टिकट देती है। अब्दुल कादिर मंदोखेल ने गुज़श्ता 3 इलेक्शन इसी हलका से लड़े और बहुत मामूली तादाद में वोट हासिल किए, लेकिन उनके सबसे बड़े क्रेडिट पर यह है कि जब फैसल वाउडा को कामयाब करार दिया गया तो उन्होंने उसकी नेशनैलिटी को चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ा और बिलाखिर उस केस में फतह हासिल की और फैसल वाउडा को इस्तीफा देना पड़ा। अब अब्दुल कादिर मंदोखेल ने जब अदालत में उन्हें चैलेंज किया तो उसके बाद वो अपने हलका में मौजूद रहे, अवाम के दुख दर्द, बीमारी, गुर्बत, अवाम के मसाइल, परेशानियों में शरीक रहे और हमेशा उन्होंने जद्दोजहद की कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर अपने अवाम के लिए कुछ ना कुछ हासिल कर सके। अब्दुल कादिर मंदोखेल को बजाते खुद अपनी सतह पर और सईद गनी और मुर्तजा वहाब जैसे दो एनर्जेटिक कायद मिल गए जिनके साथ मिलकर कराची में एक ऐसी टीम बन गई है जो कराची की लिसानियत और तासब पर मबनी सियासत को शिकस्त देने की अहलियत हासिल कर चुकी है। गुज़श्ता 13 साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी जानिब से हतुल मकदूर कोशिश की है। बिलाशुबा ये कोशिश कराची के रिहायशी या कराची के लोगों की ख्वाहिशात के प्रोपोर्शन में नहीं है। उसकी वजह यह है कि 2010 के बाद आज तक NFC अवार्ड नहीं हुआ और सिंध हुकूमत का हिस्सा पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और अब इमरान खान खुद हजम करते रहे, हड़प करते रहे या वो किसी नादीदा खलाई मखलूक को खिलाते रहे। तो वसाइल की कमी और कोरोना की बीमारी के बावजूद कराची के शहरियों के लिए दो बड़े मसाइल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नुमाया कामयाबी हासिल करती दिखाई देती है। सबसे पहले तो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट KNEP 2 और KNEP 3 मुकम्मल हो चुके हैं और इसी साल में दोनों की जब बाकायदा पैदावारी सलाहियत पूरी हो जाएगी तो कराची में माजी की तरह कराची शहर को रोशनियों का शहर कहना मुमकिन हो सकेगा और 100% बिजली दस्तियाब होगी। इसी तरह कराची के लिए पानी माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्यादत ने हब डैम को कराची शहर से लिंक किया था और अब K4 के जरिए जो फिर वफाकी हुकूमत का फंडेड प्रोजेक्ट है लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और इमरान खान ने आज तक 1 रुपया उसके लिए जारी नहीं किया है, उसके लिए जद्दोजहद हो रही है और पानी की सप्लाई के बहुत से दूसरे प्रोजेक्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कर रही है। इन हालात में यह फितरी अमर था कि तज्जिया निगार अगर हकीकत पसंद होते, अगर मीडियाई नौटंकी किसी खास मंसूबा के तहत झूठ बोलने और तूफान खड़ा करने की जद्दोजहद नहीं कर रहे होते तो उन्हें यह अमर नहीं भूलना चाहिए था कि सिंध में सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत आपस में मैच खेल सकते हैं, आपस में इलेक्शन लड़ सकते हैं और मुस्लिम लीग नवाज चूंकि एक वहां पर अजनबी है, एलियन की पोजीशन में है और अपोजिशन में है, तो इस सूरत हाल में ऐसा तो मुमकिन था कि मुस्लिम लीग नवाज किसी ऐसे उम्मीदवार का इंतखाब करती जो वहां के अवाम की नुमाइंदगी करता, मगर एक सरमायादार को किसी दीगर हलका से, किसी दीगर इलाका से उठाकर वहां पर उम्मीदवार बना देना मुस्लिम लीग नवाज की प्लानिंग की एक बहुत बड़ी कुछ ही थी जिसका नतीजा इन्हें भुगतना पड़ा। बहरहाल इस सब कुछ का अंजाम यह हुआ कि सब मीडियाई नौटंकी, एंकर पर्सन और सदर आसिफ अली जरदारी की जुबान में सियासी एक्टर नाकाम हुए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह मार्का मार लिया। इलेक्शन 249 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल कादिर मंदोखेल ने जीता। टीवी चैनल्स पर इस इलेक्शन का तबसरा सुनते हुए बहुत ज्यादा जॉयस और मजा लेने वाली बातें रोनुमा हुई। उनमें से एक कोट करता हूं, जियो के न्यूज़कास्टर ने एक खबर दिलचस्प अंदाज में पढ़ी और उन्होंने बताया कि हलका 249 में मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल 2700 वोट लेकर आगे जा रहे हैं और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल कादिर मंदोखेल के सिर्फ 4600 वोट हैं।
बहरहाल सियासत की सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि सियासी अमल चलता रहता है और यह अमल एक मुस्तकिल अमल होता है। जो लोग सियासत को मुस्तकिल काम समझकर करते हैं वो बिलाखिर गालिब आ जाते हैं। बिलाशुबा माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बदतरीन दबाव से गुजरी। 2013 के इलेक्शन कुछ इस हालात में लड़ना पड़े कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन सड़क पर कदम नहीं रख सकता था, सड़क पर बैनर नहीं लगा सकता था कि उसे गोली मारे जाने या अगवा किए जाने के खतरात मौजूद थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2013 में पूरे पाकिस्तान में किसी जगह पर अपना जलसा नहीं कर पाई थी। इसी तरह 2018 के इलेक्शन में भी जिस कदर भी रियासती अपरेटस था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दबाने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल हुआ। लेकिन जबर और ताकत के इस्तेमाल की एक इंतहा होती है। इसकी सबसे बड़ी बुराई ये होती है कि जब इसकी इंतहा हो जाती है तो ताकत टूटना शुरू हो जाती है, फिसलना शुरू हो जाती है, कंकरियों की तरह हाथ में से गिरना शुरू हो जाती है। और अब ये वक्त आ चुका है कि अवाम जबर इस्तबदाद के इस मसनूई माहौल से आज़ादी मांगते हैं। मुस्लिम लीग नवाज की मुआशी पॉलिसियों की नाकामी और इसी तरह इमरान खान की मुकम्मल पसपाई और नाकामी ने अवाम के दिलों में एक बार फिर जमहूरी हकूमत से इस्तफादा करने की जोत जगा दी है। इस सब कुछ में इस वक्त दाद देना बनती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नौजवान क्यादत को, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुज़श्ता 3-4 साल में अपनी मामला फहमी, दानाई और अपनी दूरअंदेशी का सिक्का मनवाया है। आप तसव्वुर करें कि जिस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 249 में अपना उम्मीदवार देने का फैसला किया था तो पूरे पाकिस्तान को हैरानगी हुई थी कि यह सीट तो रवायती तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत नहीं सकती, और पीडीएम के टूटने के बाद वहां पर पीपल्स पार्टी का अपना उम्मीदवार देना कोई ऐसा काम ना हो कि मुसलसल फतह हासिल करती हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई चोट ना खा जाए और कहीं उसका वकार मजरू ना हो जाए। लेकिन वक्त ने साबित किया कि बिलावल भुट्टो जरदारी दुरुस्त लाइन पर समझ रहे थे। वो अवाम के बेहतरीन नब्बास हैं और अवाम की ख्वाहिशात को समझते हैं। आज भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बहुत खूबसूरत प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने मोतरजीन के जवाब दिए हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मुस्लिम लीग नवाज ये नशिश जीतती तो मुतहदा अपोजिशन होने के नाते मैं मियाँ शहबाज शरीफ को यकीनी तौर पर मुबारकबाद देता, मगर अफसोस हमारे मुखालिफ और हमारे इत्तेहादी उनमें कोई भी इस कदर खुला दिल रखने वाला नहीं है कि वो हमारी कामयाबी को हजम कर सके। 249 बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान में सियासत और जमहूरियत की बुनियादी इकाई है। उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के शिकस्त और रेख पर मजबूर सियासी टेक्सचर को, पाकिस्तान के लोगों को आपस में यकजान करेगी और पाकिस्तान में जमहूरी असूल, कानून, कवायद, जवाबत और पार्लियामानी सुप्रीमेसी का टारगेट हासिल करके एक सही मानी में अवामी जमहूरिया पाकिस्तान बनाने के लिए अपनी जद्दोजहद में कामयाब होगी। यूट्यूब चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कॉमेंट करें। आज के लिए इसी कदर। खुदा हाफिज़।